अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो थंबनेल और टाइटल से आपको अंदाज़ हो ही गया होगा, और ख़ास करके इमराना को देखने से, कि बिल्कुल न्यू ड्रेस, न्यू चीज़ें, हर कुछ। तो जी हाँ, मैंने स्कूल चेंज कर दिया है इमराना का। तो ये न्यू रूटीन के साथ आज का ये नया व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर जी बस स्कूल जाने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि अब नया स्कूल हो गया और जो कि यहाँ पर बिल्कुल पास में नहीं है, सिटी में है। तो उसके लिए सारा कुछ इस व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी, किस तरह एडमिशन करवाया, किस तरह क्या हुआ, सारा कुछ सारा यहाँ पे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल तो ये टिफ़िन की अनबॉक्सिंग कर रही थी, तो यहाँ मैंने ला के रखी भी थी, चूँकि अब इमराना की काफ़ी लंबी टाइमिंग हो जाती है स्कूल की, तो उसके लिए प्रॉपर फूड और सारा कुछ होना ज़रूरी है। तो ये टिफ़िन मैंने दो लेयर की लाई थी, इसके साथ सारा कुछ है। तो यहाँ पर जी इसमें दो ठो बॉक्सेस हैं, जो स्टील के बॉक्सेस हैं, खाना अच्छे से गर्म रह सकता है और प्लास्टिक में देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। इसके साथ एक फोक है और एक स्पून है, और ये देखिए बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, वॉश हो गया और फिर इसके साथ। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, इस दोनों तरह में ये बॉक्सेस दिए हुए हैं स्टील के अंदर टिफ़िन के जैसा, तो खाना काफ़ी गर्म भी रहता है। तो यहाँ पर मैंने बनाया था चना, और चने के साथ साथ यहाँ पर चला जाता है जी राइस धो कर के, और उसमें ये मेहरान का बिरयानी मसाला था, इसे डालें और फिर प्रेशर लगा लें। तो मैं आजकल इमराना को राइस देती हूँ, कम से कम दो टिफ़िन होती है तो उसके हिसाब से, और ये था योगर्ट, तो ये काफ़ी सही रहता है, क्योंकि इमरानों को आते आते इस दिन के 3:30 हो जाते हैं, तो आके खाना वगैरह उतना कुछ नहीं खाती, हल्का फुल्का स्नैक्स ले लेती है। तो इस वजह से इसे राइस का, एक मिली से राइस का देना पड़ता है, दूसरा नॉर्मल ब्रेड वगैरह या कुछ ऐसा ही। तो कैंटीन भी स्कूल में अवेलेबल है, कभी कैंटीन में खा लिया या कभी इससे। तो ये व्लॉग बेसिकली तूफ़ान से आने के पहले मैंने शूट किया था। एक दिन तो इमराना स्कूल गई ही थी कि दूसरे दिन से तो हंगामा ही शुरू हो गया था, बारिश पानी का, तो वो इससे है। तो ये क्लिप मेरे पास बनी हुई थी, काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी, एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज सोचा कि सारा कुछ इकट्ठा करके और जल्द से जल्द व्लॉग अपलोड करूं। तो यहाँ पर इमराना की टिफ़िन तैयार हो चुकी थी और इमराना भी तैयार हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, नया माहौल है, नया स्कूल है, तो थोड़ा तो लगता है, लेकिन ज़िंदगी इसी का नाम है जो चलती जाती है। तो खैर, हम और इमराना चले आए थे नीचे, और बस 6 o'clock आ जाती है। अभी तो शुरू में थोड़ा सा लेट वगैरह हो जाता है, तो 6:10 हो जाता है, लेकिन यहाँ जल्द से जल्द आ जाती। देखिए अभी सवेरा भी नहीं हुआ, अंधेरा हल्का हल्का था, तो बस वही हम माँ बेटी बात कर रहे थे कि काफ़ी अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट वगैरह भी अभी नहीं ऑफ हुई है यहाँ पर, तो जाड़े में तो खैर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ नीचे आकर के हम लोग ठीक बिल्डिंग के नीचे खड़े हो गए थे, और बस देखिए आ चुकी है। तो पहला दिन था ये आज का, और ये इमराना लौट करके आई। तो ये सारा दिन मैंने फिर कुछ शूट नहीं किया। यहाँ से जी स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर बस तैयारी हो रही थी कुछ और भी चीज़ों की, तो मैंने दो तरह की टिफ़िन यहाँ पर शेयर किया आपसे। यहाँ पे मैं बना रही थी शामी कबाब, तो मेरे बच्चों को शामी कबाब बहुत पसंद है, तो मैंने 1 kg यहाँ पर ले लिया था गोश्त, और उसमें मैंने छटाक भर डाल दिया था चने की दाल, और उसे फिर उसमें सॉल्ट डाल दिया, पेपर डाल दिया, और जितने बेसिक मसाले होते हैं जैसे कि धनिया, हल्दी, ज़ीरा, ये सारा, और पाउडर गरम मसाला, रेड चिली, ये सारा कुछ डालने के बाद फिर इसे आप प्रेशर लगा लें अच्छे से, जिस तरह से आराम से दाल गल जाए और ये हो जाए। और यहाँ पर देखिए जी, मैंने यहाँ पे लहसुन भी डाल दिया और थोड़ा सा ऑयल भी,
तो वॉइसिंग में आगे पीछे हो जाता है। तो इस तरह से डालने के बाद फिर इसे मैंने चॉपर में पीस लिया था। तो ये जो प्रोसेस था ये 2 से 3 दिन चला मेरा। एक दिन मैंने बॉयल किया, दूसरे दिन मैंने पीसा और तीसरे दिन जा कर के जी मैंने इसे बनाया। तो ये टाइम काफ़ी ले लेता है। तो खैर, इसे बना के फ्रीज कर देने से लाइफ बहुत आसान हो जाती है। झटपट इससे 2 तरह की रेसिपियाँ तैयार होती हैं, 2 तरह के टिफ़िन बॉक्सेस तैयार होते हैं। तो यहाँ पर झट मैं कबाब बना करके फ्रीज करूँगी और उससे आपको 2 तरह की रेसिपी दिखाऊँगी। एक तो आप राइस के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं और दूसरा ब्रेड या बन में भी डाल करके बच्चों को दे सकते हैं, हस्बैंड को दे सकते हैं लंच बॉक्स में। तो इस तरह ये कबाब बन करके तैयार हो चुके थे। और चूँकि बान का भी स्कूल स्टार्ट हो चुका है, स्कूल कहिए या कॉलेज कहिए जो भी कहिए, 11th की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं बना फ्राई कर रही थी कबाब। और यहाँ पर रुचि मैंने बनाया था वेज पुलाव, बनाया था बच्चों के लिए। बच्चों की के लिए क्या, इमराना के लिए, हम जाहिर सी बात है, इसलिए कि आबान लंच वगैरह में राइस लेके नहीं जाता है, वो अमूमन ब्रेड ही लेके जाता है। तो यहाँ पर मैंने वो जो फ्रोज़न टिक्किया बनाई थी उसे मैंने फ्राई कर दिया और बस टिफ़िन पैक कर दी। क्योंकि ये स्कूल जो है जहाँ भी इमराना का एडमिशन हुआ है, यहाँ लड़कियों का क्लासेस जो होती हैं वो 7 o'clock स्टार्ट हो जाती है एग्जैक्ट। तो जाहिर सी बात है बस तो अर्ली मॉर्निंग आएगी, यानी 6 o'clock बस आ जाती है। तो उसी हिसाब से 5 o'clock उठना पड़ता और ये सारा कुछ मैं उसी टाइम बनाती हूँ। तो इस तरह ये आज की क्लिप है, यानी कि बीच में तो पूरा वीक ही स्कूल बंद रहा। दुबई, अबू धाबी, ये सब जगह जो बारिश का आसार था, पानी बारिश जो हो रही थी उसकी वजह से। तो एक बार स्कूल स्टार्ट हो जाता है तो लाइफ बिल्कुल रूटीन पे आ जाती है, बच्चों की भी और बच्चों की माओं की भी। तो यहाँ पर जी मैं फिर आ गई थी इमराना को छोड़ने के बाद घर, और यहाँ पर मैंने फिर से टिक्किया फ्राई की और इसे बन में असेंबल कर रही थी। चूँकि आबान बन लेके जाता है, ये इस तरह की लंबी बन आती है, समून जिसे बोलते हैं यहाँ, तो ये आबान लेके आ जाता है। इसमें आप किसी भी चीज़ से गार्निश इसे कर दें। मैंने यहाँ खीरे और प्याज से इसे गार्निश किया था। और उसके बाद यहाँ पर जी ये डाल दें चिली गार्लिक मायोनीज था, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। सिंपल मायोनीज से थोड़ा हटकर होता है, स्पाइसी होता है। तो इसे यहाँ पर भर दें, और यहाँ पर इसे भरने के बाद इसे क्लीन रैप लगा दिया था। चूँकि क्लीन रैप लगा देने से ये थोड़ा सॉगी नहीं होता है और मॉइस्ट रहता है। तो इस तरह इसमें डालने के बाद, और अबान का तो सेम स्कूल सेम हर कुछ है तो वही ड्रेस। तो यहाँ पर जी इसकी टिफ़िन तैयार हो चुकी थी, ज़्यादा कुछ तो लेके जाता नहीं है। इसके साथ मैंने अबान को दे दिया था ब्लैकबेरी विथ योगर्ट। तो ये शौक़ से खा लेता है, ब्लैकबेरी वगैरह खाता है और उसके साथ योगर्ट भी, उसके साथ एक जूस। तो बस अबान जाता भी देर से है और आता भी इमराना से पहले है। तो इमराना की टाइमिंग आजकल बिल्कुल चेंज हुई पड़ी है, तो इस वजह से भी। एक्चुअली स्कूल में कैंटीन भी है लेकिन वो खाती वाती नहीं है कैंटीन में, थोड़ा बहुत कभी गई तो कुछ लेके आ गई। तो अब यहाँ से जी स्टार्ट होती है वो जर्नी जो हम लोगों ने पूरी की पूरी रमज़ान से पहले जनवरी से स्टार्ट हुई। इमराना की अचानक से स्कूल से कॉल आई एंट्रेंस एग्ज़ाम की बिल्कुल शाम में, और ये नेक्स्ट यानी कि 15 जनवरी का ये क्लिप है। ये अबू धाबी इंडियन स्कूल है यहाँ का, तो जाहिर सी बात है नाम ही है अबू धाबी इंडियन। तो ये उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम और ये पूरे स्कूल की क्लिप है। ये मरूर में है, मेन अबू धाबी सिटी में। तो यहाँ पे इमराना का एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा था और हम लोग बाहर बैठ के वेट कर रहे थे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आएगी तो फिर चलेंगे। तो ये उसी की क्लिप है और स्कूल के बाहर
बस गार्जियन जो कुछ बच्चों का एडमिशन हुआ था एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया था, तो बस वो गार्जियन वेट कर रहे थे बच्चों का और हम लोग भी वेट कर रहे थे। तो ये सारा सेक्शन बॉयज़ का एक अलग सेक्शन बना हुआ है, गर्ल्स का एक अलग सेक्शन बना हुआ है, जूनियर केजी का किंडरगार्टन का एक अलग बना हुआ, तो स्कूल काफ़ी बड़ा है। और ये देखिए, ये है लड़कियों की बिल्डिंग, गर्ल्स सेक्शन है। यहाँ बहुत कुछ है इस स्कूल में, अल्हम्दुलिल्लाह, स्विमिंग है, कराटे है और बहुत कुछ है, लेकिन वही है कि जब दिल नहीं लगता है तो दिल नहीं लगता। जाहिर सी बात है, इमरान आजकल बहुत उदास हुई पड़ी है अपना पुराना स्कूल मिस करने की वजह से। तो खैर, ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ से ये देखिए, एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आई है और उसके एक महीने के बाद, पूरे एक महीने के इंतज़ार के बाद हम लोग को कॉल आई कि आप अपनी बच्ची को लेकर के आइए, उसका सिलेक्शन हो गया है, अब उसका इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू, जो कि वहाँ की सुपरवाइज़र या फिर प्रिंसिपल लेंगे। तो उसके लिए हम लोग फिर से अबू धाबी जा रहे थे एक महीने के इंतज़ार के बाद। तो बस इसी तरह तैयारी तो कुछ नहीं थी, बस इमराना का जो भी अपना ये था, पर्सनल इंटरव्यू था, नॉर्मल बातें थी, क्या है क्या नहीं है, बस इसी तरह का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने उसे भी क्लियर कर लिया और बस इस तरह से एक ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई। तो यहाँ हम लोग चले आए थे स्कूल और ये देखिए, बड़ा सा कंपाउंड है, ये है आपको किंडरगार्टन का सेक्शन है। तो इधर इंटरव्यू था, सबसे पहले इंटरव्यू क्लियर करना था, उसके बाद फिर पता चलता कि एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ इतनी जल्दी हो गया और सारा कुछ, तो टाइम ही नहीं लगा। तो ये हम और आबान लेके इसको जा रहे थे ऊपर, इंटरव्यू का टाइम हो गया था, जिन बच्चियों का सिलेक्शन हुआ था तो टीचर ने बुलाया था इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पर की क्लिप मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी, इमराना थोड़ा नर्वस थी बट क्या करना है, होता है। और यहाँ पर बस बाहर हम लोग वेट कर रहे थे अपनी टर्न का। तो ये है अबू धाबी इंडियन स्कूल मरूर। तो ये इंटरव्यू देने के बाद हम लोग आ गए नीचे और फिर से एक अलग चीज़ शुरू हो जाती है। तो जिस सिलेक्शन हो चुका था, इंटरव्यू उसी टाइम फिनिश हुआ और उसी टाइम ही एडमिशन के लिए बोल दिया गया था। तो सारा कुछ एडमिशन वगैरह हम लोगों ने करा दिया, बस बच गया था एक मेडिकल जो कि स्कूल की तरफ से होता है यहाँ इसमें। तो नेक्स्ट डे हम लोग आए थे, हम और हस्बैंड इमराना को लेकर के, और ये चल रहा था उस टाइम, ये 11th मार्च का डेट था जिस दिन आबान का भी लास्ट पेपर था बोर्ड का। तो ये सारा कुछ मेडिकल कराने के बाद फिर हम लोग घर को वापस लौट गए थे। तो इस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें होती चली गईं और लास्ट का व्लॉग आ जाता है जी, लास्ट की क्लिप है ये, बुक्स हम लोग लेते हुए। तो ये रमज़ान की लास्ट, रमज़ान तक का है, तो ये बुक्स वगैरह हम लोग ले लिए थे, तो उस टाइम की व्लॉग है। तो इंशाल्लाह आज का आपको व्लॉग पसंद आया होगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है, तब तक दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय। तो आई होप आपको ये नया स्कूल पसंद आया होगा।